Good morning, student. In this video lecture, we are going to discuss the properties of Laplace transform. In the previous lecture, we have seen the definition of Laplace transform and some example based on definitions. So let's see the properties of Laplace transform. प्रीवियस लेक्चर में जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे उसी डेफिनेशन से जो है ये रिज़ल्ट जनरेट होते हैं। ये रिज़ल्ट आपको याद रखने हैं। ये 7 रिज़ल्ट है जो आपको यूज़ करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉपर्टी से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें ये रिज़ल्ट को डायरेक्टली आपको यूज़ करना है। तो रिज़ल्ट है, फर्स्ट रिज़ल्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। सेकेंड है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर at इज इक्वल टू 1/s - a। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से होगा 1/s - a। ये a जो है आपका a कहाँ से आएगा, ये e की पावर में जो t का कोफिशिएंट a है वो यहाँ पे लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है e रेज़ टू पावर 60 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, e रेज़ टू पावर 60 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 1/s - 6 इस तरह से। और अगर e की पावर में माइनस है तो ये यहाँ पे बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। फॉर एग्जांपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की e⁻⁻⁻60, e⁻⁻60 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s + 6 इस तरह से। नेक्स्ट है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है, एक है साइन और दूसरा है कॉस। तो साइन at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a/s²+ a²। a ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, t का कोफिशिएंट है। टी के कोफिशिएंट में जो भी रहेगा वो यहाँ पे, वो नंबर यहाँ पे आएगा और उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। सो फॉर एग्जांपल आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 8t, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 8t कितना होगा, इस रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा 8/s²+ 8²/64 इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे कॉस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 80 इज इक्वल टू s/s² प्लस a²। साइन और कॉस वाले फॉर्मूले सिर्फ एक थोड़ा सा माइनर चेंज है। साइन वाले फॉर्मूले में यहाँ पे जो t का कोफिशिएंट है वो आता है और कॉस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे s आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 कितना होगा, तो कॉस है इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में s आएगा, s/s² प्लस 64 इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। जिस तरह से ये सर्कुलर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन, उसी तरह से ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। यहाँ पे h लगा है तो साइन h80, तो साइन h80 का रिजल्ट जो है वो a/s² - a²। ध्यान रखना है सर्कुलर फंक्शन में यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर प्लस आता है और ये हाइपरबोलिक फंक्शन में माइनस आता है। बस ये दोनों रिजल्ट में इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा जो है वो जितने भी टर्म्स है वो पूरे के पूरे सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है साइन ht, साइन ht का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। साइन ht का लैप्लास, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है, t का कोफिशिएंट है 1। h जो रिप्रेजेंट करता है वो हाइपरबोलिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, h t का कोफिशिएंट नहीं है। तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो आएगा 1/s² - 1² इस तरह से। उसी तरह cos cos h80 में न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट की जगह पे s आएगा। तो आपको अगर लिखना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस h2t, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, s/s² - 4। हाइपरबोलिक है इसलिए डिनोमिनेटर में माइनस है। और उसके बाद लास्ट फॉर्मूला t⁴ है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁴ इज इक्वल टू होता है n⁴ डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये n जो है यहाँ पे t की पावर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵5, तो ये बन जाएगा 5/(s⁵5+1 इस तरह से। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 7 रिजल्ट जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के आपको यूज़ करना है। ये सारे के सारे रिजल्ट का जो प्रूफ है, ये इससे पहले जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखिए, ये उसी से सारे के सारे रिजल्ट जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपने को सिलेबस में इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये रिजल्ट आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे आपको याद करना है। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको एक प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी बार ऑफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी इज इक्वल टू ए एफ बार ऑफ एस प्लस बी जी बार ऑफ एस। मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन है जिनके बीच में प्लस है, दो फंक्शन जो है वो प्लस या माइनस से ऐड है, तो यहाँ पे उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एडिशन का, ये एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, जी ऑफ टी एक फंक्शन है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है, एफ बार ऑफ एस, तो ये एफ बार ऑफ एस आंसर आएगा। प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बी बाहर हो जाएगा और जी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, जी बार ऑफ एस। मतलब सिंपल है, दो फंक्शन अगर एडिशन में लिखे तो आपको सेपरेट सेपरेट जो है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, बाकी इसके अंदर कोई नया रूल नहीं रहेगा। एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, जी ऑफ टी की जगह जी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा है और ये एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं, इसलिए हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो लोअर क्लासेस में आपने पढ़े हैं, वो फॉर्मूले जो है आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखना है और वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ होंगे। यहाँ तो सम रिजल्ट इसमें से फर्स्ट है साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड कॉस स्क्वायर टी 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, ये ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। इंटीग्रेशन भी आपने पढ़े हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो उसको इस तरह से रिड्यूस करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है अगर साइन स्क्वायर टी का, तो साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई रिजल्ट नहीं है आपके पास, 7 रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको उस तरह से रिड्यूस करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। कॉस स्क्वायर टी का कोई लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला नहीं है, तो आपको इस तरह से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसी तरह से साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाई 4। कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू 3 कॉस टी प्लस कॉस 3t डिवाइडेड बाई 4। फिफ्थ है साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 1 बाई 2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 6 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 7 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 1 बाई 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 8 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस। तो ये टोटल 8 रिजल्ट है जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, ये आपको याद रखना है। इन रिजल्ट को जो है आपको यूज़ करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। जैसा मैं बताया आपको साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई रिजल्ट नहीं है, साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस तरह से रिड्यूस करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर टी को इस तरह से रिड्यूस करना पड़ेगा, साइन क्यूब टी कॉस 3t और साइन और कॉस अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो इस तरह से रिड्यूस करना पड़ेगा, साइन कॉस और कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। तो ये तो हो गया आपका रिजल्ट जो आपने पहले भी पढ़े हैं, ये आपको याद रखना है। अब एग्जांपल देखेंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी के एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड Laplace transform of t plus t square plus t। तो आपको Laplace transform कैलकुलेट करना है t plus t square plus t cube का। सोल्यूशन Laplace transform of t plus t square plus t cube। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो t, t स्क्वायर और t क्यूब तीनों फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है और उसके बीच में जो है वो प्लस है, t प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब। इस तरह से लिनियरिटी प्रॉपर्टी में ये एक फंक्शन है, फिर प्लस ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन के बीच में प्लस है तो आपको अप्लाई करना है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अप्लाई करना है आपको लिनियरिटी प्रॉपर्टी। और अगर अंदर देखेंगे तो t, t स्क्वायर, t क्यूब ये सभी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास अवेलेबल है। 7 नंबर वाला रिजल्ट है आपके पास। 7 नंबर वाला रिजल्ट क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये रिजल्ट आपको अप्लाई करना है तीनों टर्म्स के अंदर। तो फर्स्ट टर्म के अंदर t रेज़ टू पावर 1 मतलब t की पावर 1 है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 1 प्लस 1। बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद टी स्क्वायर, अब यहाँ n की पोजीशन पे 2 है तो n की पोजीशन पे 2 तो कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 2 प्लस 1। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 2 प्लस 1। उसके बाद प्लस थर्ड टर्म टी क्यूब है तो यहाँ पे n की जगह 3 है तो इसका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 3 प्लस 1। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और s रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 3 प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 4। ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले आपको 7 रिजल्ट आपको याद रखने हैं और उसके बाद ये 1 by 1 प्रॉपर्टी आएगी, वो प्रॉपर्टी आपको प्रिपेयर करनी है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t प्लस 3sin 6t प्लस 4cos 2t प्लस 9 cos ht माइनस t रेज़ टू पावर 5। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t प्लस 3sin 6t प्लस 4cos 2t प्लस 9 cos ht माइनस t रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल। अब ये टर्म्स में देखेंगे तो सारे के सारे फंक्शन जो है वो ये अलजेब्रिक फंक्शन है 2t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 6t, इसका भी लैप्लास अवेलेबल है। cos 2t का भी लैप्लास अवेलेबल है। cos ht का भी लैप्लास अवेलेबल है और t रेज़ टू पावर 5 का भी लैप्लास अवेलेबल है। और सारे टर्म्स के बीच में अगर देखेंगे तो प्लस 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 माइनस, मतलब आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपको ये बताती है t है तो t की पोजीशन पे t का लैप्लास लिख लो, sin 6t की पोजीशन पे इसका लैप्लास लिख लो, cos 2t की पोजीशन पे इसका लाप्लास लिख लो। इस तरह से जहाँ जो फंक्शन दिख रहा है उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लिखते चलना है और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट को बाहर करना है। तो टू कांस्टेंट है एज इज, t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जस्ट अभी मैंने रिजल्ट लिखा था, t का लाप्लास के लिए आपको ये वाला रिजल्ट अप्लाई करना है। t रेज़ टू पावर n लाप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज़ टू पावर n होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n+1 और t के पावर में यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 1+1 प्लस 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा साइन 60। इसके लिए आपके पास रिजल्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 इज इक्वल टू होता है a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे a के पोर्शन पे है 6, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 कांस्टेंट एज इट इज आगे है cos 2t। ये रिजल्ट है आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज इक्वल टू होता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे a के पोर्शन पे है 2, तो ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर 4। नेक्स्ट है cos h प्लस 9। cos h 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके पास, cos h 80 का लाप्लास है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ a के पोर्शन पे कितना दिख रहा है, t के कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो cos st का लाप्लास इस रिजल्ट से कितना हो जाएगा, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1। नेक्स्ट है माइनस t रेज़ टू पावर 5। t रेज़ टू पावर 5 फिर से सेम रिजल्ट, n की जगह पे 5 है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 5+1 और इसको कैलकुलेट कर लो, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो 1 फैक्टोरियल 1, 1 इनटू 2 2, 2 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 मल्टीपल 6 18 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 इंटू एस 4s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 इंटू एस डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 6। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो देखना पड़ेगा कि सारे जो टर्म्स है, सारे जो फंक्शन है वो प्लस 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 में लिखे हैं, प्लस या माइनस में लिखे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आप सीधे सीधे उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट लिखेंगे, वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। Find Laplace transform of 3e raised to power 2t minus 2 sin 3t. Solution Laplace transform आपको कैलकुलेट करना है 3e raised to power 2t minus 2 sin 3t। आप दोनों फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों के लाप्लास आपके पास अवेलेबल है। दोनों का फॉर्मूला पता है आपको, साइन का ये फॉर्मूला है और e रेज़ टू पावर 80 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर 80 इज इक्वल टू होता है 1/s माइनस a। ये रिजल्ट भी आपको पता है और दोनों फंक्शन के बीच में माइनस लगा है, मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है। 3 कॉन्स्टेंट बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू पावर 2t, a की पोजीशन पे यहाँ पे 2 है, तो e रेज़ टू पावर 2t का लाप्लास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 2। उसके बाद माइनस 2 कॉन्स्टेंट साइन 3t का लाप्लास, ये साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो a की जगह 3 है, मतलब ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 3 इंटू 1, 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9। इसका फाइनल आंसर। तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। इस तरह से लिनियरिटी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर टी। फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो आपको कैलकुलेट करना है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी की तो कोई रिजल्ट है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म का। तो साइन स्क्वायर टी का जब भी आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो उसको रिड्यूस करना है। मैंने जस्ट अभी आपको 8 फार्मूले लिखा था, उसमें से साइन स्क्वायर टी का फार्मूला है साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। साइन स्क्वायर टी का अगर लैपलास कैलकुलेट करना है तो आपको साइन स्क्वायर टी को पहले इस तरह से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। अब इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर वाले 2 को तो पहले बाहर कर देते, तो 1/2 लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2। दो फंक्शन हो गए, ये कॉन्स्टेंट हो गया 1 और बीच में है माइनस और इधर है कॉस 2 की। मतलब आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे 1/2 लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 कितना होता है 1/s। रिजल्ट है अपने पास लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 1/s माइनस कॉस 2t। कॉस 80 इज इक्वल टू होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह पे 2 है, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। ये इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसको और रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर सकते हैं तो और शॉर्ट हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 से क्रॉस मल्टीपल एस स्क्वायर प्लस 4, बीच में माइनस एस मल्टीपल एस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, मतलब बचा 2 डिवाइडेड बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ये भी इसका फाइनल आंसर है। तो ये हुआ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। कॉस स्क्वायर टी के रिजल्ट में नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी, अब कॉस स्क्वायर टी का भी लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकता। कॉस स्क्वायर टी के लिए आपको इस तरह से रिड्यूस करना है। कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी में प्लस माइनस का फर्क होता है बस। कॉस स्क्वायर टी के अंदर यहाँ पे प्लस आता है, साइन स्क्वायर में यहाँ पे माइनस आता है। तो यहाँ बीच में कॉस स्क्वायर टी को चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और ये कैंसिल नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2। साइन स्क्वायर 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्म। साइन स्क्वायर 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t। फिर से जिस तरह से साइन स्क्वायर टी को रिड्यूस किए थे उसी तरह से साइन स्क्वायर 2t को भी रिड्यूस करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी का ये रिजल्ट आपको याद है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है और एंगल में अगर समथिंग डिफरेंट आता है तो किस तरह से उसको रिड्यूस करना है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, एंगल में टी है तो कॉस का एंगल जो है उसका डबल हो गया। तो यहाँ पे साइन का जो भी एंगल होगा स्क्वायर में उस एंगल को यहाँ पे आपको डबल करना है। मतलब साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2। ये 2 का डबल 4t। अगर आपको इस तरह से लिखना है साइन स्क्वायर t बाई 2। साइन स्क्वायर t बाई 2 का रिजल्ट क्या होगा तो 1 माइनस t बाई 2 का डबल करो, मतलब 2 से मल्टीपल करो। 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा cos t डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से। अब sin स्क्वायर 2t, sin स्क्वायर 3t, sin स्क्वायर 4t, ये सारे रिजल्ट जो है आप लिख सकते हैं। सिंपल आपको एक रिजल्ट ये याद रखना है, और यहाँ पे जो भी t का कोफिशिएंट अगर समथिंग डिफरेंट दिखा तो उसको यहाँ पे डबल लिखना है उसका, 2 है तो 4, 4 है तो 8 इस तरह से। तो साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए साइन स्क्वायर वाला पार्ट का तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास नहीं है, आपको साइन स्क्वायर 2t को रिड्यूस करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर टी को रिड्यूस करेंगे इस तरह से, ये बनेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2, ये 2 डिनोमिनेटर वाला बाहर 1 बाई 2 और 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 1 बाई एस माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 4t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 4t आ जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 60। आप चाहे तो यहीं पे इसको आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करो 1 बाई 2 एस स्क्वायर प्लस 16 इंटू 1 एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस एस इंटू एस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसल, 2 से 16 कैंसिल, तो ये बचा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से लिनियरिटी प्रॉपर्टी के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे प्रॉपर्टी में आपको ये एग्जांपल फिर से जो है वो रिवाइज करनी है, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि ये एग्जाम्पल अगर आगे आए तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना जाए कि साइन स्क्वायर टी का लैप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस स्क्वायर टी का लैप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे सीख लेना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t इंटू कॉस 2t। Laplace transform of sin 3t cos 2t। अब sin एंड cos मल्टीप्लिकेशन में दोनों का एंगल डिफरेंट है, तो यहाँ पे डी फैक्टोराइजेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो रिजल्ट मैंने लिखा था आखिरी वाले जो 4 रिजल्ट है वो डी फैक्टोराइजेशन फार्मूला। तो साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला कोई रिजल्ट अभी अपने यहाँ पे नहीं पड़ेगा। साइन 3t cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए इसको अलग अलग टर्म्स के अंदर मतलब प्लस या माइनस में सेपरेट करना पड़ेगा। तो अपने पास डी फैक्टोराइजेशन फार्मूला है साइन ए cos b। अभी 4 रिजल्ट मैंने आपको लिखा के दिया, उसमें से पहला रिजल्ट है साइन ए cos b। साइन ए cos b इज इक्वल टू होता है 1 बाई 2 साइन ए प्लस b प्लस साइन ए माइनस, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जब भी साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लिकेशन में है या फिर साइन साइन मल्टीपल में है, कॉस कॉस मल्टीपल में है, तो आपको डी फैक्टोराइजेशन फार्मूला ये अप्लाई करने हैं। तो साइन ए के पोर्शन पे 3 है, 3t है, और b के पोर्शन पे 2t है, ये फार्मूला ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई 2 इन ब्रैकेट साइन a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 3t प्लस 2t, 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा 5t, उसके बाद आगे प्लस साइन 3t माइनस t, 3t माइनस t 2t कितना हो जाएगा t। तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हूँ साइन a प्लस बी साइन 3t प्लस साइन a प्लस बी साइन साइन और एंगल के अंदर 3t प्लस 2t, 3t प्लस 2t कितना हो गया 5t, और उसके बाद में प्लस साइन a माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 3t माइनस 2t, 3t माइनस 2t कितना हो जाएगा t। अब ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर देते हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है साइन 5t प्लस साइन t। अब ये दोनों का रिजल्ट आपके पास है साइन 8t वाला रिजल्ट, यहाँ पे a के पोर्शन पे 5 है, यहाँ a के पोर्शन पे 1 है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 5t कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस, और ये साइन t, t के एंगल में 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1। ये रिजल्ट इसका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो एक दो स्टेप इसको बढ़ा के जो है वो थोड़ा सा आंसर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 1 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 5 से मल्टीपल होगा 5s स्क्वायर प्लस 5 प्लस एस स्क्वायर प्लस 25 से 1 में मल्टीपल देंगे तो ये होगा एस स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 5s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 6s स्क्वायर 5 प्लस 25 30 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25 एस स्क्वायर प्लस 1। टू जो है यहाँ से कॉमन लेंगे और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा एस स्क्वायर 3s स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25 एस स्क्वायर प्लस। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से जो है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी की इतने वैरायटी है। आपको जो है सिंपल प्लस में फंक्शन दे सकता है या फिर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी ऐसा आ सकता है या फिर साइन और कॉस जो है इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। तो ये रिजल्ट से आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी के इतने वैरायटी वाले एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और इन्हीं एग्जाम्पल का आगे यूज़ करना है अभी प्रॉपर्टी के। तो मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर वो एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखना है और अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो मेरे से डाउट्स आपको पूछना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी को आपको यूज़ करना है पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर अगले पूरे चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर 3d। इसके आंसर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आंसर है cos स्क्वायर 3d 1/2s प्लस s स्क्वायर प्लस 36। नेक्स्ट है साइन 3d इंटू साइन 2d। इसका आंसर है वन बाई 2 इन ब्रैकेट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। एग्जाम्पल है cos 2। इसका आंसर है s डिवाइडेड s इंटू एस स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। सॉल्व अगर नहीं होते तो मेरे से डाउट पूछना। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।